हाय नमस्ते दोस्तों, दिस इज विजय ठक्कर एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। अभी मैं हमारे चैनल पे जनरली एक वीडियो संडे पोस्ट करता हूँ जो स्टॉक्स फॉर द वीक का होता है, और एक वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ आप लोगों के साथ वेनसडे, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ लर्निंग रिलेटेड चीज़ें शेयर करता हूँ। बट आज मैं आप लोगों के साथ ये क्या वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। अभी क्या है ना कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे पास आके कोर्स करते हैं, उन लोगों के साथ मैं बहुत सारे ऐसे लाइव सेशन करते रहता हूँ ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स में। तो वहाँ पे मैं उन लोगों के साथ बताता हूँ कि भाई मुझे मार्केट क्या लग रहा है, कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे अभी हम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो आज भी मेरा एक लाइव सेशन था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 फेब को, और मैंने उन लोगों के साथ मार्केट का एनालिसिस शेयर किया और कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने शेयर किए जो अभी मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे है ऐसे ख़राब मार्केट में, जिनको हम लोगों को यू नो बाय करने के लिए देखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं वो जो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग थी, जो हमारे लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग थी, उसमें से कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग क्या करिए, अभी वो क्लिप्स देख लीजिए कि मैंने क्या क्या चीज़ वहाँ पे शेयर की है, और फिर हम लोग वापस मिलते हैं। तो देखो क्या है ना कि कुछ इशू चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया का, उसके हिसाब से हम लोग ने देखा कि मार्केट ने आज अच्छा खासा गैप डाउन कर दिया है। बट द पॉइंट इज के ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। मैंने आप लोगों को अगर याद होगा तो संडे वाले वीडियो में ये भी बोला था कि 17,000 का और 16,800 का हम लोगों को एक सपोर्ट है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल मार्केट 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 16,800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अगर हम लोग के लिए मार्केट ने अगर होल्ड किया तो, दैट इज़ बेटर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो हम लोगों को ध्यान रखने चाहिए ऐसे पैनिक वाले मार्केट में, बिकॉज व्हाट आई फील के अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो खराब टाइम में ही आएगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि अपॉर्चुनिटी जनरली खराब टाइम में ही आप लोगों को दिखेगी, और वो टाइम पे अगर आपने वो स्टॉक्स को अच्छी तरीके से देखा परचेस किया तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अभी फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे ये नहीं पता था कि कल इतना मार्केट, मतलब आज इतना मार्केट गिरेगा। मैंने आप लोगों के साथ कल ही बात कर दी थी कि मैं लाइव आने वाला हूँ, और जनरली ऐसे वाले लाइव्स अभी हम लोग महीने में एक दो बार मिनिमम करेंगे, अगर मैं ज़्यादा हो सका तो 3 बार भी करूँगा। तो दैट इज़ इट। एंड अभी क्या करता हूँ ना, मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ जिसके ऊपर आप लोगों का अगर ऑलरेडी ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोगों को उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और वो स्टॉक्स में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी एक अच्छी बन रही है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक जनरल व्यू ले लेते हैं। अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे। अगर आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, तो एक कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड हो रहा था मार्केट में, और वो रेंज जो थी वो समवेयर अराउंड 17,800 की थी, और बॉटम में एक सपोर्ट था 16,800, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक 17,050 का भी एक सपोर्ट था। अभी आज फिलहाल हम लोग ने देखा कि एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है, और वो गैप डाउन के कारण मार्केट ऑलरेडी अपने हमारे फर्स्ट सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी हमारे लिए सबसे जो मेजर सपोर्ट है वो ऑलरेडी 16,800 वाला है, जो ये वाला है। अगर इसके नीचे मार्केट चले जाता है तो शायद आने वाले टाइम में हम लोग एक यू नो डाउनसाइड और मार्केट में अच्छी खासी देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना निफ्टी का, अगर आप डेली में देखोगे स्ट्रक्चर, तो अच्छा खासा ऊपर गया और यहाँ पे एक हाई बनाया, और यहाँ पे ये जो है ना 18,350 का, आप ये बोल सकते हो कि ये लोअर हाई है। अभी मैं लोअर हाई क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये हाई है और ये हाई इसके नीचे है। सो एक ये कंसर्न है कि अगर मार्केट ये लेवल तोड़ देता है विच इज 16,800, और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर 800 तोड़ देगा तो सीधा 400 आ जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मार्केट एक बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में जाते हुए हम लोगों को दिखेगा। एंड अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे हम लोगों को एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न निफ्टी में क्रिएट हो रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। अगर मार्केट होल्ड करेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये देखिए, ये है ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न अभी निफ्टी बना रहा है। मैं सारे ये पुरानी लाइन्स हटा देता हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। देखो, तो अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से अगर मार्केट देखोगे ना, तो अगेन जो हमारे सपोर्ट्स है वहाँ पे बाय हो रहा है, और अगर ये चीज़ सही है तो शायद आने वाले टाइम में हम लोग एक नया रैली वापस से देख सकते हैं। बट मोर और लेस अभी मार्केट में थोड़ी ख़राब सिचुएशन है, तो हम लोग उस हिसाब से थोड़े ट्रेड लेंगे, बट जो स्ट्रांग है वही लेंगे।
अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का व्यू दे देता हूँ मेरा। अभी बैंक निफ्टी में देखो, मैंने ना मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर देखा है कि बैंक निफ्टी को ये वाला पहले एक रेजिस्टेंस था, और क्लोजिंग बेसिस पे एक दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया और नेक्स्ट डे फिर ऊपर चले गया था। तो यहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हम लोग ने लास्ट वीक देखा कि बैंक निफ्टी ये लेवल्स के पास आके वापस से रिवर्स हो गई थी, बट अगेन ये जो हाई था वो बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। अभी ये हाई क्या है, 39,390 का हाई है। अभी आज मेरे लिए अगेन ये सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। नाउ मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स नो ढूंढ के रखे हैं, कोई ऐसे ये चीज़ नहीं, अगर आप लोग हमारे आप लोगों को सबको ये पता ही होगा। तो फर्स्ट स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैं आप लोगों को इसका वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रेजिस्टेंस था 108 से लेके 105 रुपये का, और बैंक ऑफ बड़ौदा वापस से अपने रेजिस्टेंस के पास आया है, एंड इट्स लाइक अ रीटेस्ट। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा हाई मारा 118.80 का, और आज ऐसे मार्केट में भी बैंक ऑफ बड़ौदा आप बोल सकते हो कि फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रहा है हमारे लिए, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा स्टॉक है ना, इंडसइंड बैंक है। इसका ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ हमारे ट्रेड लेस अर्न मोर वाले ग्रुप में भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट की बोल सकते हो कि मार्केट की पैनिक में इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप यहाँ पे इसका चार्ट देखोगे ना, तो दिस इज लाइक अ डबल बॉटम। अभी देखो यहाँ पे इसका एक बॉटम ये था, दूसरा बॉटम ये था। ब्रेकआउट पे हमने खरीदा था और हमारा जो स्टॉप लॉस था, मैंने बहुत कंजर्वेटिव वे में स्टॉप लॉस रखा था, और ये डे पे जब इसने नीचे आके लो मारा था, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था। बट अगेन एंड दैट डे वो अपने लेवल्स के ऊपर ही क्लोज हुआ। सो इंडसइंड बैंक भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर आप लोगों को अभी अभी आप बाय करोगे तो 900 रुपीज़ का या 890 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसमें फर्स्ट टारगेट 1050 का आ सकता है। तो दिस इज अगेन वन मोर स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर फ्रॉम बैंक निफ्टी। और एक स्टॉक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कॉन्फिडेंस पेट्रो। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये स्टॉक है ना, कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये वीकली का चार्ट है इसका। ये स्टॉक का हमारे पास डेटा बहुत कम है, बट ये स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस था जो अभी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे मार्केट में भी यहाँ पे हम लोगों को कुछ अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। तो दिस इज अगेन, ये मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ इंट्राडे ट्रेड और एनीथिंग लाइक दैट। और मैं मतलब वीकेंड में थोड़े बहुत स्टॉक्स को स्कैन कर रहा था, तो मुझे एक अच्छा स्टॉक मिला, विच इज कोल्टे पाटिल डेवलपर। अभी आप ये कोल्टे पाटिल का, चलो मैं आप लोगों को पहले वीकली चार्ट दिखाता हूँ। कोल्टे पाटिल ने ना यहाँ पे एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर करके ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट के टाइम पे उसके यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हुए थे। अभी अगर आप इसका ये देखोगे ना, ये अपने रेजिस्टेंस के पास जो अभी सपोर्ट बन गया है, कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि स्टॉक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। तो दिस इज अगेन अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में ऐसी पैनिक है वो टाइम पे। तो मैंने आप लोगों को जितने ये स्टॉक्स बताए, आप ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आप लोगों को कुछ अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो बस यही चीज थी, यही सारे स्टॉक्स मुझे आप लोगों को बताने थे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को व्यू ऑलरेडी दे दिया है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बट अगेन फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग स्टॉक। जब भी मार्केट गिरेगा तो वो स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए और बाय करिए, जब भी अच्छा होगा तभी वो ऑटोमेटिकली मार्केट से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। राइट सर, राइट, ओके, थैंक सो यू सो मच। थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन, और बस थैंक यू, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में जो भी शेयर किया ना, वो मोस्टली जो मुझे बोलना था वो पार्ट वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे मेरे स्टूडेंट्स के रिलेटेड टू उनकी जो भी पर्सनल क्वेरी थी, तो उसको मैंने वहाँ से हटा दिया है। तो आई
कि अभी ऐसे सिचुएशन है मार्केट में तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी मैं आगे फ्यूचर में मेरे स्टूडेंट्स के साथ लाइव मार्केट एनालिसिस अगर करता हूँ ड्यूरिंग लाइव मार्केट, तो वो वाले पार्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से मिलूँगा वेनसडे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।